दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं MI Band 4 की। MI Band 4 की बात करने वाले हैं अपन इस वीडियो में। और आपको अगर ध्यान होगा तो Mi Fit ऐप में एक फीचर है अनलॉक स्क्रीन फीचर जो है वो कैसे काम करता है आज अपन यही बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अपन Mi Fit ऐप खोलते हैं। तो चलिए Mi Fit ऐप खुल गया है। और सबसे पहले आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो आपकी Mi Band है जो आपकी वो कनेक्ट हो फ़ोन से। देख लीजिए मेरी हेडिंग देख लो। अरे हाँ मेरी तो है, तो आपको बता लगता ये। मेरी तो है, चलिए मेरी Mi Band कनेक्ट है। चलिए आपको चलते हैं फ़ोन की तरफ। फ़ोन तो बंद ही हो गया। चलिए इसके बाद अपनी प्रोफाइल पे चलते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे आ गए और अब इसके बाद चलते हैं मेरी स्मार्ट। तो सर चलिए देख लीजिए यहाँ पे ये सिंबल है अनलॉक स्क्रीन का। तो इस पर क्लिक करते हैं और अब मैं इसमें देखिए कुछ ऐसा बना रहा है। सेटिंग सिक्योरिटी सिम अप स्मार्ट लॉक टैप को अनलॉक। तो चलिए करते हैं सेटिंग्स पे बैंड पे और फिर यहाँ पे मेरी सेटिंग्स में ये सब आया। तो आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो आपको स्क्रीन लॉक टाइप पे नहीं जाना। आपको फिर यहाँ पे आना है तो इसमें सेम पैटर्न पिन पासवर्ड नाम से है। तो चलिए मैं पिन करता हूँ तो 2 3 0 2 8 फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जो कि स्विम लॉक सेटिंग से यहाँ पे आता है नाम की चीज़ दिख रही है आपको। इस पर क्लिक करते हैं फिर अपना पिन डालते हैं 3 0 2 8 और फिर ये आ रहा है ऑन बोर्ड ट्रस्टेड प्लेस ट्रस्टेड डिवाइस वॉइस में। तो अपने को जाना है ट्रस्टेड डिवाइस पे और ट्रस्टेड डिवाइस पे आने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा होगा ऐड ट्रस्टेड डिवाइस। देख सकते हैं आप लोग लिखा आ रहा है, देखिए आ रहा है ऐड ट्रस्टेड डिवाइस। तो इस पर क्लिक कर देना है तो फिर अपने को ये ऑप्शन आते हैं जो कि और फिर से एक बार चेक कर लीजिए अपनी बैंड कनेक्ट है। चलिए मैं इस पर करता हूँ MI Band 4 आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। देखिए आ गई ट्रस्टेड डिवाइस में। तो अपन चलते हैं बैक अच्छे से नहीं मिला। चलिए इसको करते हैं मतलब इसको खोलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल बना रहे अभी भी लॉक कर रहे हैं। तो ये देखिए ये होगा। कैसे करता हूँ इनके लॉक का सिंबल आ रहा है देखिए कैसे करता हूँ ये होगा। Band 4 को यहाँ से 2 कमरे दूर लेके जाता हूँ और वहाँ पे रखता हूँ फिर देखते हैं कि ये होता है या नहीं। एक बार से 2 कमरे दूर तक बहुत ही बढ़िया वो मिलता है। तो एक काम करता हूँ इसको मैं रिबूट करता हूँ बैंड को जाता हूँ और रिबूट करता हूँ ये रहा रिबूट का ऑप्शन देख सकते हो चाचा आप अच्छे से। अरे यार चलिए मैं रिबूट करता हूँ मैं इसको ये तो देख सकते हैं ये डिस्प्ले है। तो जल्दी से मैं फ़ोन खोलता हूँ फ़ोन लेता हूँ हो गई सारा ये तो कनेक्ट। चलिए मैं वैसे करके देखता हूँ चुपके से नीचे होगी। अब तो हो जाएगा ये लॉक क्योंकि मैंने अब अपनी बैंड को मैं अपने घर के सबसे आखिरी वाले कमरे में रख के आया हूँ। चलेगा फिर से खोल कर देखते हैं। ये मेरा ऐसी पहले देखिए अनलॉक का आ रहा था सिंबल लेकिन अब लॉक का आने लगा। तो चलिए हो गया लॉक आ गई।
अभी भी लोकेशन बना रहे तो काम करते अब मैं अपनी बैंड लगाता हूँ। चलिए मैं ले आ रहा हूँ तो अब चलिए पैसे पा करके देखते हैं बैंड करने के लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसा लगा आपको ये कमाल का फीचर। ये मी बैंड 4 में वाकई बहुत ही बढ़िया फीचर है। अगर आपके पास मी बैंड 4 है तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों कल ही मैंने एक और वीडियो पोस्ट किया था डिस्कसिंग वर्क हुंडई कोना। तो इसमें मैंने हुंडई कोना के मतलब थोड़ा बहुत मतलब एडवांटेज बताए थे और डिसएडवांटेज दोनों बताए थे।